हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम आलू की झटपट कलौजी बनाने। आइए चलें। आज हम चलते हैं आलू की झटपट कलौजी बनाने। इस आलू को मैंने ऐसे शेप में काट लिया है, ना ज़्यादा मोटा रहेगा ना ज़्यादा पतला रहेगा, ये झटपट कलौजी बन जाती है। देखिए, इसको मैंने काट लिया है, धुल लिया है। अब हम इसको कढ़ाई रख करके तेल को लाल कर लेते हैं। अब इसमें आलू हम डाल देते हैं। आलू को डाल दिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक करके रख देते हैं। ये तब तक लाल होता है। और इसमें क्या सामग्री बनती है मैं आपको बता। इसमें सामग्री पड़ती है, इसमें मैंने 10 से 15 दाने लहसुन की कली ले लिया है, मिर्चा ले लिया हरा, आपने स्वाद के अनुसार मिर्चा ले लिया, अदरक ले लिया है 1 इंच, इसमें लाल मिर्च, हल्दी और कलौजी का मसाला ले लिया। जब ये लाल हो जाते हैं तब इस पर पड़ते हैं, तब तक मैं इस सारे सामान को चिली कटर में या मिक्सर में या चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, तो जल्दी ये गल जाता है, जिसे जल्दी गल जाता है। देखिए, अभी हमारा आलू पिंकिश हो चुका है। और इसमें जितना मसाला मैंने बताया था, अदरक मिर्चा चॉप किया हुआ, अमचूर, लाल मिर्चा, कलौजी का मसाला और हल्दी, ये चॉप किया हुआ अदरक मिर्चा सब इसमें डाल देंगे और हमारी कलौजी रेडी हो जाती है। ये ढक देते जिसे सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए। इसको 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। ये देखिए, हम डाल दे रहे हैं सारा चीज़, ये डाल देते हैं हम। अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, हमारे आपस में आलू और मसाला आपस में मिल गया। इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल करके हम इसको बंद कर देते हैं। ये मेरी आलू की कलौजी रेडी है। स्वाद में कैसा रहा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।